अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुमरा कोसा के कहने के मुताबिक 10-12 लाख की आबादी है, लेकिन इस इतनी बड़ी आबादी के लिए, मुमरा कोसा की आबादी के लिए खेलने का कोई ग्राउंड मौजूद नहीं है। आप देखेंगे अभी 3 ही रोज़ पहले की एक न्यूज़ थी, महुल में एक ग्राउंड था, रिक्रिएशनल ग्राउंड था, उसको BMC ने जो है प्राइवेट बिल्डर को हैंडओवर कर दिया है। अभी हमारे पास जो ग्राउंड से आज पिछले 20-22 साल से लोग ये मित्तल ग्राउंड में लोग खेल रहे थे, खाली पड़ी हुई थी, लेकिन अब चूंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है, CRZ का भी मसला है ही है, वहाँ पे ग्रीन जोन का भी मसला है ही है, लेकिन जो ग्राउंड था वो जहाँ जहाँ रेजिडेंशियल आर जोन है, वो यकीनी तौर पर वहाँ पर बिल्डिंगें बनेगी ही बनेगी, लेकिन फिर उसके बाद खेलने के लिए कोई ग्राउंड हमारे पास बचता नहीं है। तो DP थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के DP प्लान के मुताबिक चुहा पुल के पास लग के ही एक 15 एकड़ का प्लॉट है, जो ये यहाँ से शुरू होता है तो तकरीबन उस तरफ जाता है, जहाँ पे अभी रेती वेती पहले निकाली जाती थी, अभी वो वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। तो उसका सर्वे नंबर है 15 एकड़ का जो है 161/236 सर्वे नंबर है। जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसके बाजू में कब्रिस्तान जाने का रोड है, तो वहाँ पे थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का ट्रांसपोर्ट है, यानी TMT डेपो है, यही मार्केट भी है, और इसके आगे 15 एकड़ का प्लॉट है वो, इसका नंबर है सर्वे नंबर 48, 52 और 50A, जो कि रिजर्व किया गया बच्चों के खेलने के लिए, रिक्रिएशन ग्राउंड है वो। अच्छा, तो बहुत सारी एक्टिविटीज की जा सके, 15 एकड़ का प्लॉट है। एक तो एक प्लॉट यहाँ पे अलॉट किया हुआ है सावित्रीबाई फुले गर्ल्स स्पोर्ट्स ग्राउंड करके, उसको एक प्लॉट अलॉट किया है, उसी के ये स्टेडियम के पीछे लग के ये 7.5 एकड़ का ये प्लॉट है, ठीक है, जो रिक्रिएशनल ग्राउंड के लिए है। तो उसके सर्वे नंबर जो है 53, सर्वे नंबर 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और सर्वे नंबर 61। ये पूरे 7-7.5 एकड़ का प्लॉट है और ये रिक्रिएशनल ग्राउंड है। हमारी फिक्र ये है कि जिस तरह से कब्रिस्तान का कंपाउंड में, मतलब प्लॉट में भी हेर फेर किया गया है, और जहाँ जहाँ प्ले ग्राउंड थे उसको या रिजर्व प्लॉट्स थे वहाँ पे आज कंस्ट्रक्शन खड़े हैं। हम चाहते हैं कि 10-12 लाख की आबादी और आने वाली बढ़ने वाली आबादी के यहाँ पर ये नस्ल दर नस्ल प्लॉट अगर ये रिक्लेम नहीं किए गए या यहाँ मुमरा कोसा के आवाम के लिए खाली नहीं छोड़ दिए गए, तो आने वाले दिनों में हमारे बच्चों से स्पोर्ट जो एक्टिविटी जो है पूरी तरह से नदारद हो जाएगी, और ये हम कौम किसी भी कौम के तंदुरुस्ती के लिए स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इसलिए मेरा और आम आदमी पार्टी का एक ही दर्द है कि जो वो 15 एकड़ का प्लॉट जो चुहा पुल से लग के है, फिर दूसरा 15 एकड़ का प्लॉट जो है मित्तल ग्राउंड से लग के, फिर ये 7.5 एकड़ का प्लॉट, ऐसे 37 एकड़ प्लॉट आज भी रिक्रिएशनल ग्राउंड TMC के DP प्लान में है। हम इसकी कोशिश भी करेंगे, हम मांग भी कर रहे हैं, और जो इस पर मेहनत कर रहे हैं हम उसका सपोर्ट भी कर रहे हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।